मेरा नाम सारी क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप है जी। क्या हुआ? मेरा बच्चा खांसी जुकाम था। थुराना। अच्छा, क्या? मेरा बच्चा खांसी जुकाम था। कितने महीने का बच्चा है? 5 महीने का जी। माड़ा सोनाक्षी में ले आया। सोनाक्षी हॉस्पिटल में? सोनाक्षी हॉस्पिटल में। मैं ममदनु आए गए सुबह 6:30 बजे। अच्छा, तो ले आए जी। डॉक्टर साहब ने बोले दाखिल करना पड़ेगा 1-2 दिन, बोले ठीक हो जाएगा। माँ ठीक है जी, वहाँ खर्चा कितना का आएगा? तो नर्स थी, नर्स बोली बोलिया 12 घंटे के 1200 रुपये लगेंगे बेड बेड का खर्चा, और बोले डॉक्टर साहब बताएंगे खर्चा। माँ ठीक है थी, एडमिट करो वहाँ। वो बिस्तर ले गए, मामले बैर बिठाए गए, तो वो भी बिस्तर ले गए। माँ में आध 1.5 घंटा बाद बाट देख के बितर गए, देखने खातर गए तो माँ बितर कौन बढ़न दिए। सिस्टम को देखा तो उसकी छाती दबाने लग रही। तो उन्होंने फोन किया है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आया है, उसने भी छाती दबाई है, उसकी भी इंजेक्शन दिए हैं। फिर मेरे तीनों बोला इसी सार ले जाओ, इसार कर दो दाखिल। मैं नहीं लेके जाऊँगा, मेरा बच्चा ठीक था, तो आप लेके जाओगे, आप ठीक करोगे, मेरा बच्चा ठीक करके दो, मेरा बच्चा ठीक था। फिर उसका खांसी जुकाम, फिर डॉक्टर लेके गया खुद उसकी, इशार लेके गया उसकी। मेरा भाई गया है रम मेरे गल्ला, उसी दाखिल करवाए के जिद उल्टा आ गया हो 1-1.5 घंटा में। भाई उड़े रह गया? हाँ, मेरा भाई उसका दौरा रह गया। फिर डॉक्टर साहब ने बोलिया ठीक से, बोलिया ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरे तीनों टाले गया, बोलिया कुआ 2 घंटा नाम ले दे, कुआ 4 घंटा का नाम ले दे, बोला ठीक सा ठीक सा। जिस शायद एक मेरा भाई का ही फोन आ गया, बोलिया इसके तो ही लिया वो भी, तो सर ये आडा सोनाक्षी हॉस्पिटल में ही लिया था, हमने दाम देख लिया था जी। दो डॉक्टर साहब ले गया नहीं, क्या करवाना था आप इन्ना ये जाओ सर, इन्ना ये जाओ। ऐसा है जिसने पूरे डॉक्टर ने पूरी लापरवाही बरतते हुए बच्चे को मारे, ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार करके उसको, क्या नाम है डॉक्टर का? कमरा लॉक कर दिया था सोनाक्षी। मैं भी साथ में था, मैं अंदर बढ़ने को हर मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा एक बार। अब लड़का सवेरे खिला रहा था, ये अपना लड़का है, ये लड़का सवेरे खिला रहा था उसको, लड़का खांसी जुकाम था, लड़का था उसको ठीक था, लड़का सुबह ले गया जी, खांसी जुकाम था, इनकी मम्मी मेरे पास बैठ गई और हम खिला रहे थे, सही खेल रहा था, खेल रहा था, इतने में कंपाउंडर आई। बेटे आपका क्या रिलेशन है इनसे? मैं तो हॉस्पिटल में था सुबह, मेरा भांजा एडमिट था हॉस्पिटल में। अच्छा, तो ये सुबह ले गया तो मेरे पास बैठ गया अमित। अच्छा, ठीक ठाक तो लगा? हाँ, बिल्कुल ठीक था, खांसी जुकाम था नॉर्मल सा। इन्होंने दवाई के लिए कहा, अभी कहते हैं डॉक्टर आएंगे, वो नर्स थी, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं मेरे को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, ये कहते एडमिट कर दो। थोड़ी देर डॉक्टर आए तो भाई पूछ रहे थे मोदी कार्ड भी सारा एडमिट करना पड़ेगा, तो ये कहते हमारे पास तो पैसे आने, तुम्हें करोगे भाई, तुम्हें लड़का ठीक था मेरा भाई, तुम ही ठीक करके दोगे। थोड़ी देर बाद उसको एम्बुलेंस में बिठा के सार ले गए थे। आप क्या आरोप लगा रहे हो कि डॉक्टर ने कोई गलत ट्रीटमेंट करा है? ट्रीटमेंट कराया जिसका राम, मैं अपने साथ में गया हूं, भाई जाके ठहरे हुए प्रोवाइड बरतते हुए बच्चों को मारा है। ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर ने उसके बच्चे का, उसको दबाया है, गलत टीका लगाने के बाद में दबाया वो, अब सांस इसकी बोड़ी आवाज, सांस नहीं बोड़ी, उसको तुरंत अस्पताल ले गए, लापरवाही कंप्यूटर ने लापरवाही करी, सार ले गए। लड़का की यहाँ डेथ हो चुकी थी, हमें जिस बातों से ये लग रहा है लड़के की अमोल डॉक्टर ने इन लोगों को गुमराह किया है, और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया के माध्यम से, या तो डॉक्टर को तुरंत अरेस्ट कराया जाए, नहीं तो हम भी इसकी डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, और तुरंत मतलब प्रशासन को भी चेताएंगे इस बात को लेकर। यदि प्रशासन इस मामले किसी तरह ढिलाई देता है ना, और यदि 12 घंटे के अंदर, असल तो 6 घंटे के अंदर आप अरेस्ट नहीं करता, कार्रवाई नहीं करता डॉक्टर के खिलाफ, तो हम यही बैठे रहेंगे, डेड बॉडी को लेंगे नहीं, ये हमारी शर्त है। और हॉस्पिटल की लाइसेंस रद्द भी होना चाहिए, और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी। और इसके हम प्रशासन से मांग करते हैं, जो एक लापरवाह डॉक्टर वहाँ जो बच्चों की हत्या करे, उस अस्पताल का ताला लगना चाहिए, और डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में कहा था उन्हें अंदर लेके, अंदर जाने बता, हमें अंदर को जाने को दिया। आइए साहब एक मिनट, ये बताओ ये इनके बच्चा एक एक्सपायर हुआ है हॉस्पिटल में, तो क्या कार्रवाई की आपने?
हम अभी इसकी FIR दर्ज करके इसकी पोस्टमार्टम करें। किसके नाम से FIR लॉन्च कर रहे हो? ये कुलदीप के नाम। किसके खिलाफ कर रहे हो? डॉक्टर सोनाक्षी हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ। नहीं, क्या नाम है डॉक्टर का? क्या पड़ता है? लापरवाही से हत्या करना, दौरान इलाज करिए ना, ये नेग्लिजेंसी से। हाँ, नेग्लिजेंसी से, चाहे वो इस तरह नेग्लिजेंसी से। टीका गलत लगाया गया है जी, इलाज में सारी ही चीज आ गई, लापरवाही में सभी चीजें। लापरवाही से क्या वाकई कार्रवाई पोस्टमार्टम के साथ हो जाएगी, जो आगे जो कार्रवाई होगी। और नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से यहाँ हॉस्पिटल में खड़े हैं। हम एक पुराना गांव का 5 महीने का बच्चा जो सोनाक्षी हॉस्पिटल में आया था और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और उसे डॉक्टर हिसार ले गया और वहाँ कहा कि ये डिक्लेयर कर दिया हिसार जाके। तो इनके परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत यहीं हुई, बच्चा खांसी जुखाम से, मात्र खांसी जुखाम था बच्चे के, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई। जब हमने IO से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हमने धारा 304A के तहत सोनाक्षी हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर हैं उनके खिलाफ़ मामला दर्ज किया है लड़के के बच्चे के पिता के बयान पर। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। इन परिजनों का कहना है कि अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो हम आगे और जब तक डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। फिलहाल IO लगे हैं अपनी कार्रवाई में और उन्होंने मामला दर्ज कर दिया है 304A के तहत सोनाक्षी हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ। सर डॉक्टर हम अब बैठे हैं सोनाक्षी हॉस्पिटल में जहाँ सुबह बच्चा आया था एक थुना में से 5 महीने का। रेजिडेंट डॉक्टर डॉक्टर बुरा से जानते हैं कि क्या हुआ। वो बच्चा एक्सपायर कर गया था, उसे हिसार लेके गए थे, एक्सपायर कर गया था। और बच्चे के बाप के बयान पर डॉक्टर के खिलाफ 304A का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या सच्चाई है। बच्चा सुबह आया था मॉर्निंग में 7:45। आपका नाम बताएं आप डॉक्टर का? मेरा नाम डॉक्टर विकास बोरा है। विकास बोरा। तो बच्चा डिहाइड्रेशन करके आया था और कह रहे थे छाती जाम है, तो सुस्त भी था बच्चा। तो उसको जैसे कैनूला लगाने के लिए हमने नर्सरी में लिया अंदर, तो कैनूला लगा रहे थे उसी टाइम उसको दौरा आ गया बच्चे को और बच्चा कार्डियक अरेस्ट में चला गया। रेस्पिरेट किया उसने? कार्डियक अरेस्ट में चला गया, मतलब बच्चे कार्डियक अरेस्ट में चला गया, बच्चे की धड़कन बंद हो गई। तो हमने जैसे इंटूबेट किया, CPR किया तो बच्चा रिवाइव हो गया। उसके बाद फर्स्ट एड करके हमने उसको हिसार शिफ्ट कर दिया। उनका आरोप है कि डॉक्टर सुम यानी कि उन्हें हिसार लेके गए और यहाँ पर प्रॉपर यानी कि जिस भी डॉक्टर ने चेक किया तो प्रॉपर चेक नहीं किया। हमारा बच्चा तो जुकाम और खांसी का ही मरीज था। सर ऐसा है कि मॉर्निंग में 7 बजे आया था और सुस्त बता रहे थे, वो सुस्त बता रहे तो डिहाइड्रेशन था। उस हिसाब से उसको एडमिट करने के हिसाब से कैनूला लगाने के लिए हमने अंदर नर्सरी में लिया था, ठीक है। और नर्सरी में डिहाइड्रेशन का पेशेंट इतनी जल्दी एक्सपायर कर जाए? सर दौरा है ना बाद में उसको। अच्छा, उसको दौरा है, दौरा आने के बाद उसको अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद हमने इंट्यूबेट किया, CPR किया, फर्स्ट एड किया और हमने उसको वेंटिलेटर। राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपने फर्स्ट एड क्या दिया? क्या आपके मेडिसिन से दौरा तो नहीं पड़ा उसको? जी मेडिसिन स्टार्ट ही नहीं, जो उसको सीजर आया, जो सीजर आया मेडिसिन देने के बाद आया। पहले नहीं, उस टाइम तक कैनूला भी नहीं लगा था, कैनूला ही लगा था उसी टाइम उसको दौरा। ओरली कोई ड्रॉप दिया हो? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नेजल ड्रॉप दिया हो? नेजल ओरल IV कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो ये बच्चा फिर ये बिगड़ती गई हालत उसकी, डाउन होती गई, वेंटिलेटर का सपोर्ट की जरूरत थी तो हमने उसको हिसार शिफ्ट कर दिया। तो बिल्कुल उन्होंने 304A का आपके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनके पेरेंट्स का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही। सर अगर लापरवाही तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करें। लापरवाही, हमने तो हमारी कोशिश जान बचाने की थी। डॉक्टर विकास बुरा का कहना है तो लापरवाही होगी तो वो सब देखा जाएगा कि वो अपना बयान दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 304A का सोनाक्षी हॉस्पिटल के जो भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यानी कि जो एक्सपायर कर गया बच्चा 5 महीने का, जो पुराना निवासी था, कुलदीप के बयान पर मामला दर्ज हो गया है। डॉक्टर साहब का कहना है कि मैंने तो
बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया था, बच्चा डिहाइड्रेशन का पेशेंट था और कार्डिक अरेस्ट हुआ, उसको हमने कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं किया था। उसके बाद ये स्वयं उसकी हालत बिगड़ी तो उसको हिसार ले गए, और हिसार उसका कोई कज़न था बच्चे का, कोई ताऊ या चाचा था, फादर यहाँ आ गया। तो अब यानी कि जितने बच्चे के परिजन हैं उन्होंने हॉस्पिटल में पूरा ये अल्टीमेटम दिया हुआ है कि जब तक डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया जाता या उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं बनती है तब तक हम मोर्चरी से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से एक रिपोर्ट।